ये दुख काहे खत्म नहीं हो रहा भाई। ग्रीन लाइन इशू के बारे में अभी भी लोग बाग कमेंट करते हैं। अच्छा एक कंफ्यूजन है दोस्तों, ये मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन आपके दिमाग से निकालनी बहुत जरूरी है ग्रीन लाइन इशू के बारे में। तो आज है ना इसको डिटेल में समझाता हूँ आपको, ग्रीन लाइन इशू कैसे होता है। मैंने है ना इसके कुछ पॉइंट इकट्ठे करे हैं। क्या ग्रीन लाइन इशू सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले में आती है, आज इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पब्लिक में है ना बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि एमोलेड डिस्प्ले के अंदर ही ग्रीन लाइन इशू आता है, मगर आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये खाली एमोलेड डिस्प्ले में नहीं आता भाई, आईपीएस डिस्प्ले में भी आता है, ये टीएफटी में भी आता है। यहां तक कि है ना आपको आज इतना खोल के बताऊंगा कि जो कीपैड फोन होते हैं ना उनके अंदर भी ग्रीन लाइन इशू आता है। यहाँ पे आपको हंसी आएगी, आपको यार ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हम रिपेयर करते हैं आज से नहीं 18 सालों का काम करते हैं। तो इतने ये ग्रीन लाइन इशू है ना हर मोबाइल फोन के अंदर हमने देखा है, और ये क्यों आता है आज इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आपके बड़े बड़े यूट्यूबर भी कहने लग गए ना कि ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से आती है, और कहाँ से आती है ये हम बता सकते हैं भाई, हम वेबसाइट में पढ़ के नहीं बोलते, हम तो जो रिपेयर करते हैं ना हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, हम उसे सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। ग्रीन लाइन इशू किसी भी टाइप की डिस्प्ले के अंदर आ सकता है, फिर चाहे वो एलसीडी हो, टीएफटी हो, आईपीएस एलसीडी हो, या फिर एमोलेड हो, या पीओलेड हो, सुपर एमोलेड हो, या फिर रेटिना डिस्प्ले हो, सबके अंदर ग्रीन लाइन इशू आ सकता है। कैसे आएगा अब इसको समझते हैं। देखिए इसका मेन रीजन ये होता है कि हर डिस्प्ले का अपना एक सर्किट होता है और उसका कनेक्टर लाइन होती है। अगर आपके हाथ से फोन गिर जाए, या फिर आपके हाथ से फोन दब जाए, या फिर आपके कनेक्टर में कहीं लूज कनेक्शन हो जाए, या उस डिस्प्ले के सर्किट बोर्ड में कहीं हल्का सा मॉइस्चर चला जाए या शॉर्ट सर्किट हो जाए, उसकी वजह से डिस्प्ले पे आ जाती है ग्रीन लाइन। मेरा ख्याल है यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको भूतकाल में लेके चलता हूँ भाई। कीपैड फोन आया करते थे पहले, ठीक है, इनके अंदर मोनोक्रोम डिस्प्ले लगी होती है, उसके अंदर भी मैंने ग्रीन लाइन इशू देख रखा है। आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, आज तक हमने ना जाने कितनी डिस्प्ले चेंज कर दी है ग्रीन लाइन इशू में, ये कीपैड फोन में जो डिस्प्ले लगती है मोनोक्रोम वाली। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर किस माइकल लाल ने सॉफ्टवेयर अपडेट दिया था जिसकी वजह से इसके अंदर ग्रीन लाइन इशू आई है ना, है ना प्रॉब्लम हार्डवेयर। और इन फोन्स के अंदर भी है ना आपको गिरने के बाद दिक्कत दिखाई देगी, एक तो व्हाइट लाइन आ जाती है, या फिर ग्रीन लाइन आ जाती है, या फिर पिंक लाइन आ जाए। देखो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी ये डिस्प्ले होती है ना, जैसे एलसीडी को कहते हैं ना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तरीके से एमोलेड भी होती है, एट्रैक्टिव मैट्रिक आपको पता है इसके बारे में है ना, इनके अंदर है ना आरजीबी कलर काम करता है। मैं आपको बताऊं रेड ग्रीन ब्लू, इनके अंदर जो आरजीबी कलर होते हैं ना इन कलर से ही सारे कलर बन जाते हैं, किसी भी कलर की लाइन आ सकती है अगर आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले के कनेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम अगर आती है। अब मैं आपको ना डिस्प्ले के टाइप बताता हूँ, कितने तरह की डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल है, और किस एलसीडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताना है एलसीडी के बारे में, इसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, पुराने कीपैड फोन और बजट स्मार्टफोन में मिलती थी। दूसरे नंबर पे है आईपीएस एलसीडी, इसका एडवांस वर्जन है जो वीविंग एंगल प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है टीएफटी, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये पुरानी एलसीडी टेक्नोलॉजी है जो आज कम यूज होती है क्योंकि इसका कलर प्रोडक्शन और वीविंग एंगल इतने अच्छे नहीं होते, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको बताता हूँ आईपीएस का मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग, ये मॉडर्न एलसीडी है जो आज भी कई फोन में मिलती है जिसमें कलर और व्यूइंग एंगल काफी इनहेंस होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे चौथे नंबर पे एमोलेड डिस्प्ले, एक्टिव मैट्रिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ये प्रीमियम फोन में यूज होती है जिसमें हर पिक्सल खुद लाइट एमिट करता है, ये डिस्प्ले डीप ब्लैक और वाइब्रेंट कलर के लिए फेमस है। पांचवे नंबर पे आता है हमारा सुपर एमोलेड, ये सैमसंग का एक एडवांस वर्जन ऑफ एमोलेड है जो और भी ज्यादा एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव होती है। छठे नंबर पे आपने सुना होगा पोलेड, यानी कि पीओलेड, प्लास्टिक ओलेड, उसको डिटेल में आप प्लास्टिक ओलेड कह लीजिए, ये एक फ्लेक्सिबल ओलेड डिस्प्ले होती है जो कर्व या फोल्डेबल फोन में यूज होती है। सातवें नंबर पे आती है रेटिना डिस्प्ले, एप्पल का हाई रिजोल्यूशन एलसीडी या फिर ओलेड वर्जन है जो उनके फोन और मैकबुक में यूज होता है। मेरा ख्याल है यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आपको बताता हूँ इनके अंदर ग्रीन लाइन इशू क्यों आता है। तो सबसे पहली बात तो डिस्प्ले के ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ेगा ना, आप भी अगर कोई फोन चला रहे हो ना अभी, तो अभी से ध्यान देना शुरू कर दो क्योंकि आपने टेक्निकल बिट्टू फोन को सब्सक्राइब कर रखा भाई, मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। आपका जो फोन होगा ना, कोई भी फोन हो आपका यार, आप बस उसके डिस्प्ले पे है ना प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक बात बताता हूँ, एप्पल ऐसा काम करता जो भी एंड्रॉइड करता ही नहीं, और वो करना भी नहीं चाहता एंड्रॉइड, क्योंकि एप्पल है ना एक साल में फोन निकालता, मगर ऐसा निकालता भाई साहब के बिना रोए धोए वो फोन चलता ही रहता है, ठीक है। देखो मजाक उड़ाने वाले तो मजाक उड़ाते हैं भाई, मुझे मजाक उड़ाने में मजा नहीं आता, बेकार में खामे खाएगी क्यों किसी की बुराई करे। हर कोई बंदा अपनी हैसियत के हिसाब से मोबाइल फोन खरीदता है ना। जो एप्पल चला रहे होंगे ना उनकी जो डिस्प्ले होती है स्पंचिंग होती है भाई साहब, उसके पीछे है ना फ्रेम लगा होता है स्टील का, उस फ्रेम में नट लगे होते हैं भाई साहब, आठ आठ नट दे रखे हैं डिस्प्ले के अंदर। और एंड्रॉइड की डिस्प्ले में देखोगे ना कोई नट नहीं होता, सीधा वो पेस्टिंग दी होती है, बस थोड़ा सा गम लगाओ चारों तरफ से चिपका दो, उसके बाद रबड़ मार के कस्टमर के हाथ में दे दो, ऐसा होता है एंड्रॉइड में। मगर आईफोन वालों ने अपने मोबाइल फोन की डिस्प्ले की काफी अच्छी केयर करके दी है, जब वो स्पंच होती है ना
तो उसमें ग्रीन लाइन इशू आना बहुत कम चांसेस होते हैं। हम तो रिपेयर करते हैं भाई, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आते उसमें भी मगर उसमें कम आएंगे कंपेयर टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन। ठीक है, समझ गए होंगे आप, इसलिए कहते हैं लॉन्ग लास्टिंग फोन चाहिए तो आईफोन खरीद लो। एक बार खरीदोगे चलता रहेगा 6-7 साल तक, टेंशन मत लो। पहली बात तो आपने ये सीख ली कि डिस्प्ले के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, अब चाहे आप एंड्रॉइड चला रहे हो चाहे आईफोन चला रहे हो। ठीक है, ताकि रात को तकिए के नीचे रख के मत सोना। कभी कभी ऐसा होता है हम बात बात कर रहे हैं, भाई साहब कौन ही रख रखे फोन के ऊपर, नहीं ऐसे नहीं, इसकी वजह से भाई ग्रीन लाइन इशू आ जाएगा। उसी टाइम नहीं आएगा इंस्टेंटली, अब मान लीजिए आपने कोनी रख के आप ऐसे लेटे हो, उसके बाद आधे घंटे बाद फोन आपने उठाया, उसी टाइम नहीं आएगा, अगले दिन आ जाए, दूसरे दिन आ जाए, या फोन चार्जिंग पे लगा रखा हो, फोन गर्म हुआ हो, और जब वो गर्म हुआ तो उसके डिस्प्ले का जो सर्किट है वो गर्म हुआ और जहां से डिस्प्ले पे प्रेशर पड़ा है उस जगह से वो ग्रीन लाइन इशू आ जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, दूसरा आपको बताता हूँ, कनेक्टर इशू से भी ये प्रॉब्लम आती है। डिस्प्ले कनेक्टर अगर लूज हो जाता है या हमारे मोबाइल फोन के अंदर मॉइस्चर आ जाता है, मॉइस्चर इन द सेंस मैं आपको बताऊं, आप मोबाइल फोन को किचन में यूज कर रहे हो, किचन में ना भाप उड़ती है, जैसे छोक लगता है या फिर कुकर की सीटियां बज रही है, तो वो जो भाप उसे मॉइस्चर बोलते हैं, समझ गए होंगे आप। वो मॉइस्चर है ना हमारे मोबाइल फोन के अंदर बड़ी इजीली चला जाता है, हवा में भी पानी होता है, इसे मॉइस्चर बोलते हैं। मगर उतनी डिटेल में तो नहीं जाते, मगर मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ। किचन में जाओ तो भाई अपना मोबाइल फोन किचन में साथ मत लेके जाया करो। बहुत सारे बंदे पता क्या कर रहे होते हैं, कुकर में भाई चमचा चला रहे होते हैं और फोन उनके हाथ में ऐसे होता है। देखो मैं तो रिपेयर वाला हूँ यार, मैं तो इसी तरीके से बता सकता हूँ, मैं चाहता हूँ बस आपका नुकसान ना हो, बस ये इसीलिए चीज करके दिखा रहा हूँ, वरना वेबसाइट से पढ़ के मैं भी बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ आपके पैसे बचाना चाहता हूँ। देखो ऐसे चमचा घुमाते हो आप तो भाप उड़ रही होती है, वो फोन के अंदर जा रही है भाई साहब। चार्जिंग जैक है, यहाँ पे चार्जिंग जैक में यूएसबी के पॉइंट होते हैं भाई, डाटा के पॉइंट होते हैं, ये शॉर्ट होने लग जाते हैं, पार्क होते हैं, और यहीं से मॉइस्चर घुस भी जाता है अंदर। ठीक है, मॉइस्चर घुसेगा, आपके फोन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो गर्म हो रखे हैं और अंदर मशीन काम कर रही है। ठीक है, हमें इतना ध्यान नहीं होता, ये भी एक मशीन है। ठीक है, मगर छोटे साइज की है, बस ये कह लीजिए, हालांकि है ये भी एक मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे मॉइस्चर जाएगा तो वो पार्ट्स धीरे धीरे मॉइस्चर को लेना शुरू कर देंगे, उसके बाद आपके फोन में ग्रीन लाइन इशू आ जाए, चाहे पिंक लाइन, चाहे कई तरह की लाइन का इशू आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। और आप आपको बताता हूँ, मान लीजिए फोन आपके हाथ से कभी गिरा, आपने उठा लिया, डिस्प्ले आ रही है, कभी कभी फ्लिकरिंग करने लगी डिस्प्ले, आप सोचोगे आपके डिस्प्ले में दिक्कत आ रही है हल्की, आप उसे लाइटली लोगे, है ना, कभी टच अपने आप काम कर जाएगा, कभी नहीं करेगा, आप बटन दबा के दोबारा दबाओगे टच सही से काम करने लग जाएगा। आप किसी ना दुकान पे जाओगे और गारंटी में होते हुए भी आप सर्विस सेंटर भी नहीं जाओगे, आप करोगे यार चला जाऊँ 10-15 दिन बाद देख लूंगा क्या दिक्कत। वो धीरे धीरे जो कनेक्टर लूज हो गया था ना, जो कनेक्टर है ना अपनी कनेक्टिविटी छोड़ चुका था ना, टच हो जाता है, कभी हट जाता है, उस वजह से है ना स्पार्क हो जाता है। आपको बताऊं, आपके घर में है ना कोई प्लग वगैरह जब आप लगाते हैं ना किसी बोर्ड में स्विच में, वहां पे कभी कभी चर चर की आवाज आती है ना, हाय मैं कैसे समझाऊं, जो स्पार्क होता है ना, जो उसका तार हमने किसी बल्ब से जोड़ रखा है तो वो बल्ब है ना फ्यूज होने के चांस ज्यादा है कि वो है ना बोर्ड से स्पार्क कर रहा है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इतना यही काम सेम ऐसा होता है भाई, उसके अंदर भी डिस्प्ले कनेक्टर जो होता है ना वो हटता है, लगता है हट। मैं आपको ना लाइव दिखा देता हूँ, देखो कुछ डिस्प्ले मेरे पास रखी है इधर, मान लेते हैं ये एक डिस्प्ले है, मानना गया ये तो है ही डिस्प्ले, तो ये जो कनेक्टर है ना ये वाला, ये बोर्ड पे कनेक्ट होता है, मेल फीमेल कनेक्टर होता है। ठीक है, अटैच होने के बाद है ना अगर ये लूज रह गया तो ये स्पार्क करना शुरू करेगा। पता नहीं मैं गलत समझा रहा हूँ, आप कुछ गलत समझ रहे हो, बस आपको समझाना चाहता हूँ, अगर ये सही तरीके से कनेक्ट रहा तो आपकी डिस्प्ले बिना फ्लिकरिंग के सही चलेगी। ठीक है, और अगर ये लूज रहा तो फिर ये स्पार्क करना शुरू करेगा, इससे आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले पे लाइन इशू आराम से आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे बताता हूँ, सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से भी आपके मोबाइल फोन में ग्रीन लाइन इशू आते हैं। कई बार सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी डिस्प्ले पर लाइन आ सकती है, लेकिन वो मोस्टली टेम्परेरी होती है। यहाँ पे ना मोस्ट ऑफ द पीपल्स का जवाब मिलने वाला, भाई सॉफ्टवेयर की वजह से लाइंस आती हैं। जब भी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद आपके फोन में अगर व्हाइट लाइन, ग्रीन लाइन, ब्लैक लाइन, येलो लाइन, कैसी भी लाइन अगर आ रही हो ना आपके डिस्प्ले में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद, तो आप रीस्टार्ट कर लेना, उसके बाद सर्विस सेंटर जाना। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक बात बनती है भाई मजेदार, जो बंदे वन प्लस का फोन चला रहे हैं ना, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वन प्लस 9 था वो, ठीक है, उसमें ग्रीन लाइन आ रखी थी, कस्टमर मेरे पास आया डिस्प्ले डलाने के लिए, तो वो कस्टमर इतना ट्रस्ट करता है कि अगर मैं उस बंदे से है ना 8,000 रुपए 10,000 रुपए भी मांगू ना तो वो मना नहीं करता मुझे। मगर मैंने उसको क्या बोला था कि भाई सर्विस सेंटर चले जाओ, फ्री में रिपेयर हो रहे हैं, फ्री में डिस्प्ले चेंज करके देंगे आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे, 1+8 से 11 तक कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, 12 अगर ऐड हो गया हो तो और भी अच्छी बात है। तो वो कस्टमर फिलहाल सर्विस सेंटर होकर आ चुके हैं, खबरी ये सुनाई है कि उन्होंने 1+11 ले लिया है और 3,000 रुपए उन्होंने बताया कि भैया 3,000 रुपए और ले लिए उससे और कहा कि हम आपको 1+11 दे रहे हैं, मतलब डिस्प्ले चेंज नहीं करी उन्होंने, मतलब फोन बदल के दे दिया, 9 की जगह 11 दे दिया, होगा उनका कुछ गेम ऐसा, मतलब कह रहा भाई कुछ भी हो मजा आया, कस्टमर ने यही बोला, तो भाई कस्टमर खुश होते फिर हम कौन होते हैं भाई बोलने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजना, जरूर शेयर करना, उनको भी पता चले ग्रीन लाइन इशू
एमोलेड डिस्प्ले में ही नहीं आती, सारी हर तरह की डिस्प्ले के अंदर ग्रीन लाइन इशू आता है। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।